क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें ये बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंपल, सिंगुलर के लिए क्या होता है, हम डिटरमिनेंट लेते हैं। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर, ना आए तो नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ले लेते हैं। उसके लिए पहले हमने ये साइडों पे ऐसे करना होता है, अब इसके भी ऐसे हो जाएगा। तो 1, 2, 2, 4, इसको मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ। 4 1s are 4, माइनस 2 2s are 4, 4 माइनस 4 0 आ गया। अगर जवाब 0 आ जाए तो ये क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये काम इसके साथ करते हैं, इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। 2 2 माइनस 3 माइनस 3, इसको इसके साथ करेंगे तो 2 into -3 माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ करेंगे। -6 माइनस माइनस प्लस 6, 0 आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें बताना था कि ये मैट्रिक्स जो दिया गया है वो सिंगुलर हैं या नहीं। तो दोनों ही हमारे सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है।